स्टंट डबल जो वॉट 30 फीट की ऊंचाई से सिर के बल नीचे गिर पड़े। इससे जो को सिर में गहरी चोटें आईं और वे कोमा में चला गया। दरअसल जो जिस सेफ्टी केबल के सहारे यह स्टंट कर रहे थे वे टूट गई और यह हादसा हो गया। घटना इंग्लैंड के लीव्सडेन में स्थित वॉर्नर्स ब्रदर्स के स्टूडियो में हुई। विन डीजल करने वाले थे शूट। यह फिल्म का एक क्राइम सीन था जिसे बेलकॉनी से शूट किया जा रहा था। विन डीजल भी हादसे के चंद सेकंड्स बाद वहां पहुंचे। घटना के बाद से ही वे गहरे सदमे में हैं। दुर्घटना के बाद शूटिंग रुक गई और जो को तुरंत रॉयल लंदन अस्पताल ले जाया गया। घटना 22 जुलाई की दोपहर को घटित हुई। पहले भी हो चुके हादसे, यह पहला मौका नहीं है जब विन डीजल के किसी स्टंट डबल के साथ इस तरह का हादसा हुआ है। इसके साल 2002 में भी हैरी ओकॉनर पैरासेलिंग सीन की शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। विन की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 जिसमें मिशेल रोड्रिग्ज, हेलेन मिरेन, चार्लीज थेरॉन और जॉन सीना शामिल हैं, अगले साल रिलीज होगी।